आज के वीडियो में हम आपको बड़ौदा बीएनपी पारिवास म्यूचुअल फंड के टॉप 3 फंड्स के बारे में बताएंगे जहां आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। बड़ौदा म्यूचुअल फंड और बीएनपी पारिवास म्यूचुअल फंड का मर्जर हुआ है मार्च 2022 में एंड एज ऑफ मार्च एंड 2022 फंड के टोटल एसेट्स 21,884 करोड़ के थे। फंड हाउस के सीईओ मिस्टर सुरेश सोनी हैं। इस फंड में हम बात करेंगे इन फंड्स के फीचर्स के बारे में, इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में, पास्ट परफॉर्मेंसेस को भी देखेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि ये फंड आपके लिए सही है या नहीं। सो डू कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज। मैं हूँ कृति और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। बड़ौदा बीएनपी पारिवास म्यूचुअल फंड हाउस के हमारी लिस्ट पर टॉप 3 फंड्स हैं और वो हैं बड़ौदा बीएनपी पारिवास बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, बड़ौदा बीएनपी पारिवास मिड कैप फंड एंड बड़ौदा बीएनपी पारिवास मल्टी कैप फंड। क्योंकि तीनों ही फंड्स अलग अलग कैटेगरीज के हैं तो हम इन तीनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। बड़ौदा बीएनपी पारिवास बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, ये फंड एक हाइब्रिड फंड है जो अपने एसेट्स को इक्विटी और डेट दोनों में ही इन्वेस्ट करता है। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स को अपने एसेट एलोकेशन को लेकर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं, यानी ये फंड अपने हिसाब से जितना चाहे उतना किसी भी कैटेगरी में एलोकेट कर सकते हैं। इन फंड से पोर्टफोलियो को काफ़ी अच्छी डाइवर्सिफिकेशन भी मिलती है क्योंकि द इन्वेस्टमेंट इज डन अक्रॉस द मार्केट कैप्स। बड़ौदा बीएनपी पारिवास बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का एयूएम यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एज ऑफ 31 मई 2022 वाज रुपीज 3,254 करोड़ एंड इट्स एक्सपेंस रेशियो वाज 2.20%। अब फंड्स के पास्ट रिटर्न्स देखते हैं। इस फंड का इंसेप्शन अगस्त 2018 में हुआ था और तब से फंड ने 11.16% के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं। फंड ने एक साल में -1.79% के रिटर्न्स दिए हैं और अपनी कैटेगरी को अंडर परफॉर्म किया है। 3 ईयर पीरियड में फंड ने 11.42 के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं और अपनी कैटेगरी के एवरेज रिटर्न्स को सिग्निफिकेंट मार्जिन से बीट किया है। ये फंड्स अपने एसेट्स को इक्विटी और डेट दोनों में ही एलोकेट कर सकते हैं एंड इस फंड की मेजॉरिटी एलोकेशन इक्विटी में है। बड़ौदा बीएनपी पारिवास बैलेंस एडवांटेज फंड की इक्विटी में 61.1% एलोकेशन है और डेट में 27.9% और बाकी सब कैश और कैश इक्विवेलेंस में है। अगर इक्विटी पोर्टफोलियो की एलोकेशन की बात करें तो पोर्टफोलियो में 63 स्टॉक्स हैं और इसमें से टॉप 3 स्टॉक्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक। फंड के टॉप 10 स्टॉक्स की वेटेज 26.75% की है। ये फंड 15 सेक्टर्स में डाइवर्सिफाइड है और इसमें हाईएस्ट एलोकेशन फाइनेंशियल में है एट 15.28%। टॉप 3 सेक्टर्स है फाइनेंशियल्स, हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी एंड इनमें 28.19% एलोकेटेड है। इस फंड का इक्विटी पोर्टफोलियो बढ़िया लग रहा है। फंड का प्राइस टू बुक रेशियो है 3 और प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज 20.93। डेट पोर्टफोलियो की एवरेज क्रेडिट रेटिंग भी अच्छी है। फंड की एवरेज क्रेडिट रेटिंग AAA की है। बड़ौदा बीएनपी पारिवास बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपीज़ का है एंड इफ़ यू प्रेफर टू इन्वेस्ट थ्रू SIP तो मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपीज़ है। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से दोनों में से कोई भी मोड चूज कर सकते हैं। अगर आप एक साल के अंदर अंदर अपनी 10% से ज़्यादा होल्डिंग्स को विड्रॉ कर लेते हो तो आपको 1% एग्जिट लोड पे करना पड़ता है और अगर आप रिडेम्पशन एक साल के बाद करते हैं तो आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं पे करना पड़ेगा। ये तो था बड़ौदा बीएनपी पारिवास बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में। दूसरा टॉप फंड हमारी लिस्ट में है बड़ौदा बीएनपी पारिवास मिड कैप फंड। ये फंड इक्विटी कैटेगरी में है और अपनी मैक्सिमम एसेट्स को मिड कैप कंपनीज में एलोकेट करता है। मिड कैप कंपनीज वो होती हैं जो इन टर्म ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन 101 से 250 के बीच में आती हैं ऑन द इंडेक्स। इन कंपनीज की पास्ट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही होती है और ये पोटेंशियल रखती हैं फ्यूचर में सेक्टर लीडर्स और लार्ज कैप कंपनीज बनने का। ऑल्दो इन कंपनीज में रिस्क थोड़ा हाई रहता है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप, लेकिन ये कंपनीज ओवर द लॉन्ग टर्म पीरियड अच्छे रिटर्न्स बनाकर देने का पोटेंशियल रखती हैं। बड़ौदा बीएनपी पारिवास मिड कैप फंड का AUM एज ऑफ 31 मई 2022 वॉज 1,116 करोड़ एंड उसका एक्सपेंस रेशियो 2.24% था। तो चलिए अब इस फंड के पास्ट रिटर्न्स देखते हैं। बड़ौदा बीएनपी पारिवास मिड कैप फंड ने लॉन्ग टर्म में बेंचमार्क से अच्छे रिटर्न्स दिए हैं।
फंड ने एक साल में -0.65% के रिटर्न्स दिए हैं और 3, 5 और 10 ईयर्स में 17.94, 9.34 और 18.01% के रिटर्न्स दिए हैं। फंड का इंसेप्शन मई 2006 में हुआ था और तब से फंड ने 10.77% के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं। फंड के 85.3% एसेट्स इक्विटीज़ में एलोकेटेड हैं। क्योंकि ये मिड कैप फंड है तो फंड के 80.61% एसेट्स मिड कैप में इन्वेस्टेड है और बाकी लार्ज और स्मॉल कैप में एलोकेटेड है। इसके पोर्टफोलियो में 47 स्टॉक्स हैं और इसमें टॉप 3 स्टॉक्स हैं ट्रेंट, वोल्टास और जिंदल स्टील एंड पावर। फंड के टॉप 10 स्टॉक्स की वेटेज 31.44% है। इसका पोर्टफोलियो टोटल 15 सेक्टर्स में डाइवर्सिफाइड है और इसमें हाईएस्ट एलोकेशन फाइनेंशियल में है एट 13.06%। फंड की वैल्यूएशन बढ़िया लग रही है। फंड का प्राइस टू बुक रेशियो 2.74 है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज 18.55। तीसरा टॉप फंड हमारी लिस्ट में है बरोडा बीएनपी परिबास मल्टी कैप फंड। ये फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की मल्टी कैप कैटेगरी में आता है। मल्टी कैप फंड्स वो होते हैं जो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में अपने इन्वेस्टमेंट्स करते हैं अक्रॉस द डिफरेंट मार्केट कैप्स। मल्टी कैप फंड में फंड मैनेजर को 25% ऑफ द एसेट्स लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना मैंडेटरी होता है। बरोडा बीएनपी परिबास मल्टी कैप फंड का एयूएम एज ऑफ 31 मार्च 2022 वाज 1582 करोड़ और इसका एक्सपेंस रेशियो 2.25% है। अब इस फंड के पास्ट रिटर्न्स देखते हैं। बरोडा बीएनपी परिबास मल्टी कैप फंड ने एक साल में 1.41% के रिटर्न्स दिए हैं और 5 और 10 ईयर्स में 9.32% और 12.78% के एवरेज एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। बरोडा बीएनपी परिबास मल्टी कैप फंड का इंसेप्शन अप्रैल 2000 में हुआ था और तब से फंड ने 9.73% के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं। क्योंकि ये एक इक्विटी फंड है तो मेजॉरिटी ऑफ एसेट्स इक्विटी में ही इन्वेस्टेड हैं, दैट इज 94% एंड द रेस्ट इज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। फंड के 45.52% एसेट्स लार्ज कैप में एलोकेटेड हैं, 40.12% मिड कैप में और 14.35% स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड हैं। इस फंड के इक्विटी पोर्टफोलियो में 63 स्टॉक्स हैं और इसमें टॉप 3 स्टॉक्स हैं ICICI बैंक, इन्फोसिस और HDFC बैंक। फंड के टॉप 10 स्टॉक्स की वेटेज 38.03% है। इस फंड के एसेट्स टोटल 14 सेक्टर्स में डाइवर्सिफाइड हैं और इसमें हाईएस्ट एलोकेशन फाइनेंशियल्स में है एट 19.79%। टॉप 3 सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल्स, टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर और इनमें 45.62% का एलोकेशन है। इस फंड की इक्विटी वैल्यूएशंस बढ़िया लग रही हैं। फंड का प्राइस टू बुक रेशियो इज 3.12 एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज 22.98। फाइनली आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, इन फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और अगर हाँ तो कौन सा फंड आपके लिए सूटेबल है। इन तीनों ही फंड्स का रिस्क एट्रीब्यूट और रिटर्न एक्सपेक्टेशन अलग अलग है। बरोडा बीएनपी परिबास बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एक हाइब्रिड फंड है तो ये रिस्क को कम करने के लिए अपने एसेट्स का कुछ हिस्सा डेट सिक्योरिटीज में भी लगाता है। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा हो सकता है जो अपने एसेट्स को कंजर्वेटिवली इक्विटीज में लगाना चाहते हैं या फिर जिनका इक्विटी में ऑलरेडी कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है और वो अब अपने पोर्टफोलियो का रिस्क कम और डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं। बरोडा बीएनपी परिबास मिड कैप फंड अपने एसेट्स को प्राइमरीली इक्विटी में इन्वेस्ट करता है तो रिस्क तो हाई है और साथ ही साथ ये फंड अपने एसेट्स प्रीडोमिनेंटली मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है और इसमें भी रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है कंपेयर टू लार्ज कैप, बट मिड कैप कंपनीज के पास बहुत अच्छी ग्रोथ और एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट काफ़ी रिवॉर्डिंग रह सकता है। अगर आपका ऑलरेडी एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है और आप अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को बूस्ट देना चाह रहे हैं और वो भी मॉडरेट रिस्क के साथ, तो मिड कैप फंड्स कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। लास्ट में बात करते हैं बरोडा बीएनपी परिबास मल्टी कैप फंड के बारे में। इस फंड के एसेट्स लार्ज कैप स्टॉक्स में भी इन्वेस्टेड रहते हैं जो फंड के रिटर्न्स को स्टेबिलिटी देता है और मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स रिटर्न्स को बूस्ट देते हैं। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा हो सकता है जो एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स चाहते हैं एंड ओवर द लॉन्ग टर्म अच्छी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवा के जानना चाहते हैं कि ये फंड आपके लिए सही रहेगा या नहीं, या फिर दूसरे कोई फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो अभी हमें व्हाट्सएप मैसेज करें 7217746224 पर और हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद ज़रूर करेंगे। अब आप किसी भी ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में हमारे ऐप Zed Funds के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं।
दिस इज इंडियाज ओनली इन्वेस्टमेंट ऐप जहाँ पर आप देश के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपने इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको इस वीडियो को लेकर या फिर किसी भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर कोई भी कमेंट्स या क्वेश्चंस हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में या फिर हमारी वेबसाइट zfunds.in पर लिखें। इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग Z Funds. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.